एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हाँ बोल। अरे दिलो बोलना बे। तेरे पापा ने तेरा नाम दिलीप कुमार से इंप्रेस होकर दिलीप रख दिया ना। तेरे को मालूम है ना, फालतू में क्यों पूछता है। तो मुन्नार, आज से हम इसे असली नाम से बुलाएंगे, यूसुफ। क्या बोलता है? वादा बर से यूसुफ भाई, सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। यार यार प्लीज। जश्ने मूत, ठंडे ठंडे पानी में गर्मा गर्म सुसु करने का मजा कुछ और ही है। आजा यूसुफ, तू भी आजा, कर ले थोड़ा। टेक्निकली क्षितिज हमारा भांजा था, लेकिन पता नहीं साले को साला क्यों बनना था। अजी, हम लोग में मामा भांजे से शादी कर सकते हैं ना? हाँ क्यों रे, किसकी करानी है शादी? दिलीप और सुरेखा का। अबे यूसुफ करेगा ना शादी? दिलीप, अरे उम्र क्या है तेरी, तू शादी करेगा? हाँ, दूसरा धंधा नहीं है कुछ? और तुझे कुछ धंधा नहीं है क्या? पढ़ाई कर अपनी, शादी कराने चला है। रेहाना, मैं उसी से प्यार करता हूँ। गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे स्कूल में। बट यार मैं शादी तो रेहाना से ही करूँगा, सुरेखा से नहीं। अच्छा हुआ तेरा नाम यूसुफ रख दिया, अब उसके घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? हाँ? अरे हाँ सुन ना, यूसुफ और रियाना की जोड़ी अमर रहे, अकबर रहे और एंथनी भी रहे। क्यों? अबे लेकिन सुरेखा की शादी तू कर ले, तू भी तो मामा है उसका। नहीं है। ठीक है मैं करूंगा। अरे ये क्या करेगा शादी, ये तो कवला है रे, छोटा है वो। कवला? हाँ। एक ही साल छोटा हूँ तेरे से। अच्छा? हाँ? खुद तो अपनी पीठ साफ नहीं कर सकता, निकला है शादी करने। तो क्या हुआ, बीवी से साफ करवाऊंगा ना? ओहो हो, सच में देखा 100%। ओए सुरेखा, ए रुक। ओ सुरेखा, सुरेखा, अरे हम चड्डी में है ना, तो क्या कपड़े पहन के तू वो हमारा लास्ट वेकेशन था, आखिर बड़े हो रहे थे और मंदार की बड़ी बड़ी आंखों ने प्रूव कर दिया कि वो भी बड़ा हो गया था। फाइनली उसने भी चादर को स्टार्च कर ही दिया। जब ऑफिस से आएगा तो वो जोग सनार के पास ये लिंग ले जा। हाँ, वो बताएंगे जूनियन है कि नहीं। क्या है कि नहीं? जूनियन है कि नहीं, कम कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। आई जूनियन क्या जेन्युइन? देख तेरे बाबा, शादी के कार्ड कब ला रहा है? तृप्ति को कैसा लगा डिजाइन? उनका तो बाबा सॉलिड डिजाइन है, बगल वाली तो लेके गई, जेरॉक्स करके रखेगी आगे के लिए। जेरॉक्स नहीं गा, जेरॉक्स। जेरोक्स नहीं, जेरोक्स। और तुम जल्दी निकलो ना बाबा बाहर, वरना यहाँ पे कलर जेरोक्स निकलेगा। अरे आई, मैं सोनार वाना के पास नहीं जा सकता। तू जो मैं ही जाने वाली थी, लेकिन अब एयरपोर्ट जाना पड़ेगा ना, तू तो नहीं जाएगा, किसी को तो रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी। तुमने पूछा मेरे से कि मैं फ्री हूँ कि नहीं हूँ? झट से बोल दिया जीजा जी और अपर्णा दीदी को, मंदार जाएगा ना रात को एयरपोर्ट लेके। अरे कौन सा रिश्तेदार है पता नहीं। बाबा मैंने तो बताया है शोभा आ रही है, वो अपर्णा इसे क्या कह रही थी, शोभा आंटी। आंटी? हाँ, जो अपना ने कहा वो बता रही हूँ, तू अपनी दीदी से कॉन्फर्म कर ले। हाँ कॉन्फर्म करूंगा, कन्फर्म नहीं करूंगा। अरे आई मैं जानता भी नहीं उनको, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ पिकअप करने। अपना पोस्ट कर रही है ना तेरे कंप्यूटर पे, उसका फोटो देख लो। शोभा, हाँ ये वही है ना ड्राइवर सी, जिसका लफड़ा चल रहा है। लफड़ा तो इधर चल रहा है बाबा, तुम जल्दी निकलो ना बाहर, रोज रोज मेरे ऑफिस जाने के टाइम पे ही तुमको लगता है। हाँ तृप्ति, ऑफिस पहुँच गई? अच्छा सुनो ना, वो शाम का जो मूवी का प्लान है ना, हाँ वो ज़रा कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ वो एयरपोर्ट जा रहा हूँ किसी को पिक करने। अरे जीजा जी की कोई आंटी है, शोभा आंटी, कनाडा से आ रही है, तो उसको पिकअप करने जाना है।
नहीं, जाना तो उनको बैंगलोर है लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही थी, तो आई का ये सुपर आइडिया है कि इतनी रात को बेचारी वो अकेली क्या करेगी मुंबई में, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। अभी आई के बारे में क्या बोलूं? आपका फ्लाइट आ गया? दूसरा फ्लाइट तो कल रात को है। नहीं, मैं जा रहा हूँ पिकअप करके, सीधा घर लेके जा रहा हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा सुनो ना, छुट्टी तुम भी चलो ना साथ में। हाँ, कंपनी हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा साथ में। हाँ तो तुम चल रही हो ना? सुपर तृप्ति, ये टू गुड। एक्चुअली स्कूल में एक लड़की से प्यार करता था बट कभी बोल नहीं पाया। थैंक यू। तो तुम्हारा कोई अफेयर नहीं था? नेवर। नो। अच्छा मुझे तुमसे कुछ सुभद्रा। क्या? सुभद्रा उसका रियल नेम जानवी है। अरे सुभद्रा वो टीवी सीरियल एक्ट्रेस, वो तुम पास आए वाली। तुम सीरियल देखते हो? नहीं, मॉम देखती है। मैं तो डिनर करते करते। तुम माँ को मॉम बोलते हो? नहीं, आई बोलता हूँ। वैसे तुम रेंट कितना देती हो? पार्किंग पकड़ के 30। अच्छा, हम दोनों शादी कर लेते हैं तो अगर तुम मुझे पसंद कर लेती हो तो। और तुम मुझे? तो मैं मॉम आई बाबा के साथ रहता हूँ, तो तुम्हें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अपना घर हो तो बेटर है ना। वैसे तुम्हारी माँ पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसी है। नहीं, इतना सोचा नहीं मैंने इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं पहला हूँ जिससे तुम मिल रही हो? दूसरे हो क्या? वैसे आप सोचने लगी हो। नॉट दैट आई बीन फोर्स्ड इनटू दिस बट नॉट गेटिंग एनी यंगर राइट? तुम? आई फील वेरी यंग। तुम चौथी हो, तुमसे पहले 3 लड़कियों को मिल चुका हूँ। वैसे क्या चल रहा है इसका मार्केट में रेट? महंगी होगी ना? तुम कंजूस टाइप के हो? अरे नहीं, वो मैं बार बार फोन घुमाता रहता ना, तो इसीलिए रीजनेबल मॉडल। अच्छा एनीवे, लिसन, आई हैव हैड अ फ्यू रिलेशनशिप्स बिफोर और एक बहुत सीरियस थी, उसमें हमारी एंगेजमेंट हुई थी बट दैट डिड नॉट वर्क आउट। और उसके बाद भी एक्चुअली आई वाज तुती, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा नहीं, क्योंकि जो पहले वाला था उसको शायद इसी बात से फर्क पड़ता था इसलिए ना बोलती। सीरियसली कुछ फर्क नहीं पड़ता? आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जो पहले वाला था ही वॉज ऑल्सो लाइक यू, नेवर हैड अ रिलेशनशिप बिफोर। और तुम्हारे जैसे लड़कों को ये अरेंज मैरिज सिनेरियो में शायद ऐसी लड़की चाहिए होगी जो यू नो आई मीन बेसिकली दूध की दिल्ली टाइप्स। तुम 100% टीवी सीरियल देखते हो, दूर दूर तक दूध की दुली नहीं हूँ मैं। तुमने फिल्म देखी है? ओरिजिनल अच्छी लगी है? ये ओरिजिनल देखी नहीं है। क्यों? वो टिकट ही नहीं मिल रहा था। अरे ब्लैक में भी नहीं मिला।